क्वेश्चन है, एन अर्न कंटेन्स 10 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न दिया हुआ है और इस अर्न में कह रहा है 10 व्हाइट और 3 ब्लैक कलर की बॉल रखी हुई है। अनदर अर्न कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक और अर्न है और दूसरे अर्न में 3 व्हाइट कलर की बॉल और 5 ब्लैक कलर की बॉल रखी हुई है। अगर हम इसको मान ले अर्न 1 और ये अर्न 2, ये क्लियर। टू आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट अर्न एंड पुट इन टू द सेकेंड अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द लेटर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वाइट बॉल। देखिए अब इस अर्न 1 में से हमें दो बॉल निकालने हैं और इस अर्न 2 में ट्रांसफर करने हैं। तो दो बॉल हम ट्रांसफर करेंगे इस अर्न 2 में। उसके बाद अर्न 2 में से हमें एक बॉल निकालने हैं और वो जो एक बॉल है इसका कलर वाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। ये क्लियर। तो देखिए अर्न 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ दो कलर की बॉल है, एक वाइट और एक ब्लैक। तो यहाँ पे हो सकता है कि दो वाइट बॉल हम यहाँ ट्रांसफर करें, ये भी हो सकता है कि दो ब्लैक बॉल हम यहाँ ट्रांसफर करें, ये भी हो सकता है एक वाइट और एक ब्लैक बॉल यहाँ ट्रांसफर करें। तो तीन केसेस बनते हैं। तो सबसे पहला काम, तीन इवेंट बना लीजिए। तो लेट E1, E2 एंड E3 बी द थ्री इवेंट। E1 इवेंट अगर हम कह दें कि दो वाइट बॉल, टू वाइट बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम अर्न 1 टू अर्न 2, ये क्लियर। ये भी हो सकता है दो ब्लैक बॉल हम ट्रांसफर करें, तो टू ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम अर्न 1 टू अर्न 2। ये भी हो सकता है वन वाइट और वन ब्लैक बॉल हम ट्रांसफर करें फ्रॉम अर्न 1 टू अर्न 2। उसके बाद अर्न 2 में से हमें एक बॉल निकालना है और उसका कलर वाइट होना चाहिए। इसके लिए एक इवेंट मान लीजिए। तो लेट ए बी द इवेंट कि अ वाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न 2, ये क्लियर। तो यहां पे तीन केसेस बन रहे हैं तो इनको बना लेते हैं। देखिए सबसे पहला केस ये है कि दो वाइट बॉल हम अर्न 1 से अर्न 2 में भेज सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये क्या बन जाएगा, दो वाइट बॉल भेजना है तो 10C2 अपॉन टोटल है 13, तो 13C2, ये क्लियर। 10C2 10 इंटू 9 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 45। और 13C2 13 इंटू 12 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 78, ये क्लियर। अब ये दोनों टर्म 3 से कैंसिल किया जा सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 अपॉन 26, ये क्लियर। ये भी हो सकता है कि दो ब्लैक बॉल हम यहाँ ट्रांसफर करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये क्या बन जाएगा, ब्लैक है 3 तो 3C2 अपॉन 13C2, 3C2 3 अपॉन 13C2 78, ये बन गया 1 अपॉन 26, ये क्लियर। ये भी हो सकता है कि हम एक वाइट और एक ब्लैक बॉल यहाँ ट्रांसफर करें, तो वाइट है 10 तो 10C1 10 एंड ब्लैक है 3 तो 3C1 3 अपॉन टोटल 13C2, ये क्लियर। तो ये बन गया 30 अपॉन 78। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म को 6 से कैंसिल किया जा सकता है, तो 6 5 जा 30 और 13 6 जा 78, तो 5 अपॉन 13, ये क्लियर। अब अगर हम दो वाइट बॉल यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो अर्न 2 में देखिए वाइट कितनी हो जाएगी 5 और ब्लैक 5। उसके बाद अर्न 2 से एक वाइट बॉल निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 5 अपॉन टोटल 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E1 ये बन जाएगा 5 अपॉन 10 यानी कि 1 अपॉन 2, ये क्लियर। ए आफ्टर E1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक वाइट बॉल निकाल रहे हैं इस अर्न 2 में, उससे पहले हमने दो वाइट बॉल अर्न 2 में ट्रांसफर किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E1। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E2 ये क्या बन जाएगा, दो ब्लैक बॉल आप यहाँ भेज रहे हैं तो 3 वाइट और 7 ब्लैक हो जाएगी। अब यहाँ से एक वाइट बॉल निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 3 अपॉन टोटल 3 अपॉन 10, ये क्लियर। ये भी हो सकता है कि 1 वाइट और 1 ब्लैक कलर की बॉल हम यहाँ ट्रांसफर करें, तो यहाँ पे अर्न 2 में 1 वाइट यानी कि 4 वाइट और 1 ब्लैक 6 ब्लैक हो जाएगा, ये क्लियर। अब यहाँ से एक वाइट कलर की बॉल निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 4 अपॉन टोटल 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E3 4 अपॉन 10 यानी कि 2 अपॉन 5, ये क्लियर। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये क्या बनेगी,
इस अर्न टू में से एक व्हाइट कलर की बॉल निकले, इसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछा गया था, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और यहां पे इसके लिए तीन केसेस बन रहे हैं, पी ई वन एंड पी ए आफ्टर ई वन और पी ई टू एंड पी ए आफ्टर ई टू और तो प्लस पी ई थ्री एंड पी ए आफ्टर ई थ्री। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। तो पी ई वन, पी ई वन 15/26, पी ए आफ्टर ई वन 1/2, पी ई टू 1/26, पी ए आफ्टर ई टू 3/10, पी ई थ्री 5/13, पी ए आफ्टर ई थ्री 2/5। ये क्लियर? तो यहाँ से ये बन गया 15/52, 3/260, 10/65, 52/260/65 LCM 260 upon 52 5 into 15 75 1 into 3 3 260 upon 65 4 into 10 40। तो ये बन गया 75 + 40 115 + 3 118 upon 260। 2 से कैंसिल कर दीजिए दोनों टर्म को, 59/130 ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी।